हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. आई एम डाइटिशियन शिखा. तो आज मैं बात करूंगी हरनाज कौर सिंधु, जाना माना नाम मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में. सो हाल ही में हुए लैक्मे फैशन वीक में उन्होंने रैंप वॉक किया और उसके साथ ही लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर दिया उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उनके सडन वेट गेन के बारे में. और हरनाज ने भी सारे ट्रोलर्स को जवाब देते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे सीलिएक डिजीज़ है, मैं बॉडी शेमिंग से नफरत करती हूँ, लोगों को नहीं पता कि मुझे ग्लूटीन से एलर्जी है. अब आप सोच रहे होंगे कि सीलिएक डिजीज होता क्या है और इससे सडन वेट गेन कैसे हो सकता है, तो चलिए मैं बताती हूँ. सीलिएक डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें इंटेस्टाइन में मौजूद विलाय डैमेज हो जाता है और ये हमारे इंटेस्टाइन को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता. इसलिए ग्लूटीन को भी हमारी बॉडी इस कंडीशन में डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लूटीन क्या होता है और ये किस किस फूड में प्रेजेंट होता है. ग्लूटीन एक प्रोटीन है जो कि कुछ सीरियल्स में पाया जाता है, फॉर एग्जांपल वीट, बार्ली, राई एक्सेट्रा, और ये डो को एक इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है. जिन लोगों को सीलिएक डिजीज होता है वो ग्लूटीन या उससे बना हुआ फूड प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और ऐसे में वेट मेंटेन करना बहुत ही बड़ा इशू होता है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है जहाँ पर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन होता है. और अगर आपको ग्लूटीन से एलर्जी है या सीलिएक डिजीज़ है तो इन सभी फूड प्रोडक्ट को अपनी डाइट में इस्तेमाल ना करें. एट लास्ट मैं आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी की भी बॉडी शेमिंग करने से पहले या नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप दो बार जरूर सोचें, क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से मोटा या पतला नहीं होता. एंड हरनाज, आप हमेशा हमारे देश के लिए गौरव ही रहेंगी और हमारे देश का चमकता हुआ सितारा रहेंगी. थैंक यू सो मच.